वेलकम बैक टू माय चैनल इनसे फ्यूज़ आरा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं मंचूरियन। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मंचूरियन बनाने के लिए मैंने एक कैबेज लिया था पूरा, उसको मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। और चॉप करके ये मैंने रात में चॉप किया था और अभी सुबह तक इसमें ज़रा ज़रा सा पानी भी आ गया है, तो मैंने रख दिया था रात में ही चॉप करके, क्योंकि ये 2-3 दिन पुराना है तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं आया है। तो इसमें मैंने आधा कप लिया है मैदा और 1 कप लिया है अरारोट पाउडर। इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो जो कैबेज में पानी छूटा है उसी में मिक्स करेंगे, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट होती है पानी की, क्योंकि ये थोड़ा सा एकदम डो बनना चाहिए, एकदम खुला खुला सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी हमें बॉल बनानी है गोल गोल सी, तो इसमें पानी कम लग रहा था, थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। इतना करना है कि ताकि बॉल अच्छे से बन जाए, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है कि बॉल ना बन पाए। तो देखिएगा ये एकदम सॉफ्ट हो चुका। अगर और रिक्वायरमेंट होती है तो थोड़ा और पानी डाल देते हैं। तो अभी एकदम परफेक्ट बन गया है। एक कढ़ाई लिया है मैंने, उसमें मैंने डाला है ऑयल, ये रिफाइन ऑयल है, थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल लेना है ताकि बॉल अच्छे तरीके से डूब जाए और डूबने के बाद अच्छी तरीके से ये हो जाए, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक करना है। तो छोटे छोटे से, एकदम छोटे छोटे से बॉल बनाकर इसमें डालना है। बॉल बनाते टाइम आप हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लगा कर बनाएंगे तो बॉल जो है वो एकदम गोल बनेंगे। तो ये मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है और हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे करना होगा ताकि बॉल जो है वो अंदर से भी अच्छी तरीके से पक जाए। और इसमें मैंने डाला है एरोरूट, तो काफ़ी कुरकुरे भी रहते हैं ये, आप चाहें तो इसको ऐसे ही चटनी वगैरह से सर्व कर सकते हैं। आजकल कैबेज का सीज़न है तो आप लोग बनाकर इजली खा सकते हैं। तो देखिएगा मेरा ये हो चुका है, बॉल ब्राउन हो चुका है। मैं बताना भूल गई थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला था, जब मैंने मैदा और अरारोट डाला था तो इसमें थोड़ा सा नमक भी मैंने डाला था, तो वो भी ऐड करिएगा। तो ये हमारा हो चुका है क्रिस्पी पकौड़े, एकदम बन के तैयार हो चुके हैं। तो इसे हमें अपने एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये घर पे बन जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं, तो आप नाश्ते में बना सकते हैं, रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में भी आप बना सकते हैं ऐसे। तो इस तरीके से मैंने और बचे हुए बॉल भी वो फ्राई कर लिया है। तो इसी कढ़ाई में चलिए बनाते हैं इसकी थोड़ा सा ग्रेवी सॉस बनाते हैं। तो उसी पैन का मैंने तेल हटा लिया है, उसमें ज़रा सा तेल था तो उसमें मैंने बाकी के जो थोड़े से कैबेज निकाले थे उसे भी फ्राई कर लेंगे। इसमें आधा चम्मच के करीब मैंने डाला है लहसुन, लहसुन डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसे। यहाँ पर मेरा कैमरा बंद हो गया था बाय मिस्टेक, तो इसमें मैंने डाला है चिली सॉस, सोया सॉस, नमक और ज़रा सा मिर्ची डाला है और हरी मिर्ची पीस का 2-3 डाला है और 1 चम्मच आप जो कॉर्नफ्लावर होता है उसे घोल के मैंने इसमें डाला है। तो ये सारी चीज़ें डाल के आप अच्छे से चला लेंगे तो ये सॉस आपका बन के एकदम रेडी हो जाएगा। तो अभी मैंने अभी देखिएगा मेरा सॉस थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसे इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। इसमें मैंने 1 चुटकी
फूड कलर भी डाला है ताकि एकदम मार्केट जैसा दिखे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको एकदम ड्राई मंचूरियन पसंद है तो आप ड्राई रख सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए था तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो पानी डालने के बाद इसे अच्छे से एकदम गर्म कर लेना है, और गर्म करने के बाद हमें अपने मंचूरियन के जो बॉल बनाए हैं उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बस बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट करके देख लीजिएगा। टोमेटो सॉस भी इसमें मैंने डाला था, तो इसमें नमक थोड़ा कम था तो मैंने नमक ऐड कर दिया है इसमें। बस ये पक चुका है सॉस हमारा, तो इसमें हम डाल देंगे अपने मंचूरियन के बॉल, कैबेज के जो बॉल बनाए थे, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये हमें कुरकुरे ही चाहिए, और जिस टाइम आप खाना चाहते हैं बस उसी टाइम आप इस सॉस में मिलाएं, अदरवाइज़ ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस गरम सॉस में इसे बस डाल के आपको मिक्स करके खा लेना है, रखना नहीं है। तो आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कॉमेंट करके बताइएगा। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है और देखते भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए पत्ता गोभी डाल देते हैं और हरी धनिया डाल देंगे। तो बस अब ये रेडी है, वह मैं काट के दिखा देती हूँ। देखिए एकदम कुरकुरा ये बना है। थैंक यू सो मच।